Yes, welcome to P Square Chemistry. Download our YouTube channel, Master Physics and P Square Chemistry Google Play Store. Dear students, इस कोरोना काल में जब हर आदमी हताश है, निराश है, परेशान है, स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और नए कोर्स से बहुत सी चीजें अब बाहर जा रही हैं, तो बहुत सी चीजें बाहर जाएं, आपको पढ़ने को ना मिले, उसके पहले कुछ चीजों को हमने कविता के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आपको हम बताएंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम था कि फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने पता करा था कि कोई बंद पास है, कोई बंद पास हो, चाहे वो स्पेरिकल हो, चाहे वो क्यूबिकल हो और चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, अगर आपने उसमें चार्ज रखा तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो बाहर निकलती हैं, और जब इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकलेंगी तो एक फ्लक्स बन जाएगा, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसकी वैल्यू हमेशा होती है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो इसी पर एक छोटी सी कविता है। कविता इस प्रकार से है, इसकी खोज करी थी गॉस ने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इस गॉस की बेचैनी को, मगर इस गॉस की बेचैनी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझता है। हर एक क्लोज्ड सरफेस से, हर इस क्लोज्ड सरफेस से सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में कोई भी बंद प्रस्थ हो, शेप से कोई मैटर नहीं है, चाहे वो गोल हो, क्यूबिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, ऑर्बिटल हो, कैसी भी हो, ऑर्बिटरी हो, अगर चार्ज है उसके अंदर क्यू, तो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डस नॉट अपॉन डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी भी है। ओके, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, बी हैप्पी।